हार्ड डिस्क एक ऐसा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो हर कोई अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करता है डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। यहाँ पे अगर बाय चांस ये हार्ड ड्राइव खराब हो जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली होगा यहाँ पे डेटा लॉस। कंप्यूटर में जितना भी डेटा रहेगा, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कैसा हो अगर ये हार्ड ड्राइव ख़राब होने से पहले ही हमें पता चल जाए कि अच्छा, इस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव का लाइफ ख़त्म होने को आया है, ये हार्ड ड्राइव बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला है, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। एक हार्ड ड्राइव अपने लाइफ के एंड पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करता है या फिर यू कह लो कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा, ये पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव खराब होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं सिम्टम्स को लेके डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमोजीत, आप देख रहे हैं कि सोमो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एक हार्ड ड्राइव की एवरेज लाइफ होता है 4 से लेके 6 साल तक। इससे ज़्यादा भी कुछ हार्ड ड्राइव चल जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द हार्ड ड्राइव्स 4 से 6 साल के अंदर ही ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपका हार्ड ड्राइव इससे ज़्यादा पुराना है, 6 साल हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि उस हार्ड ड्राइव में जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, वो सारा का सारा डेटा आप किसी दूसरे हार्ड ड्राइव पे या फिर किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस पे बैकअप बना लीजिए। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ हार्ड डिस्क फेलियर होने के पहले के सिम्टम्स की, तो इनमें सबसे पहला आता है कंप्यूटर स्लो हो जाना। आपने देखा होगा अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एज ए बूट ड्राइव यूज़ हो रही है, तो टाइम टू टाइम आपका कंप्यूटर स्लो होता जाता है। जितना कंप्यूटर पुराना होता जाता है, उतना ही कंप्यूटर स्लो होता जाता है। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कंप्यूटर स्लो होने के पीछे, पर हार्ड डिस्क भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। जितना हार्ड डिस्क पुराना होता जाता है, उसमें जितना बार डेटा रीड राइट होता जाता है, उतना ही हार्ड डिस्क खराब होता जाता है। आपका हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं, इस चीज़ को कन्फर्म करने का बहुत ही अच्छा एक तरीका है, वो ये है कि आप अपने हार्ड ड्राइव पे कुछ कॉपी कीजिए। अगर कॉपी करने के टाइम पे आपको बहुत ही कम राइट स्पीड मिल रहा है, तो आप एश्योर हो जाओ कि आपका हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इसमें इशू है। बहुत बार यहाँ पे राइट स्पीड कम मिलता है एक पर्टिकुलर फाइल की वजह से, तो आप डिफरेंट फाइल्स को लेके ट्राई कीजिए। अगर सेम चीज़ बार बार हो रहा है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपके हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे कम स्पीड मतलब बता रहा हूँ 4 Mbps, 5 Mbps, इतना कम। अगर इतना कम स्पीड मिल रहा है, तो आपके हार्ड ड्राइव में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इशू है। जनरली एक हार्ड ड्राइव में जो राइट स्पीड मिलता है, वो 50 Mbps के ऊपर ही होता है। आपने देखा भी होगा, जब भी आप कोई नया हार्ड ड्राइव परचेस करोगे, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जब भी आप कुछ कॉपी करते हो, तो 50 Mbps से बियॉन्ड ही आपको स्पीड मिलता है, 50 Mbps से ऊपर ही आपको स्पीड मिलता है। पर अगर यहाँ पे आपको 5 Mbps, 10 Mbps तक स्पीड मिल रहा है, तो ये ऑब्वियसली ठीक बात नहीं है। आपके हार्ड डिस्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऑब्वियसली है। नेक्स्ट आता है डाटा करप्शन। आपने शायद देखा होगा, अगर आपके पास बहुत ही पुराना कोई हार्ड ड्राइव पड़ा हुआ है, अगर आपने उसमें कुछ भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ठीक से कॉपी हो गया, अच्छी बात है, पर कुछ टाइम बाद जाके आप देख रहे हो वो फाइल मिसिंग हो गया या फिर वो फाइल करप्ट कर गया, तो ये भी हार्ड डिस्क खराब होने का ही एक इंडिकेशन है। अगर ये चीज़ बार बार हो रहा है, तो आप कन्फर्म हो जाओ कि आपके हार्ड डिस्क में कुछ ना कुछ इशू है। हाँ, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि डाटा करप्ट कर जाना या फिर फाइल मिसिंग हो जाना एंटीवायरस की वजह से या फिर वायरसेस की वजह से, अलग अलग वायरसेस की वजह से भी होती हैं, पर यह चीज़ बार बार नहीं होता। अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई एक फाइल मिसिंग हो गया, तो आप मान सकते हो कि वो मिसिंग हुआ है एंटीवायरस की वजह से, पर अगर ये चीज़ बार बार हर एक फाइल के साथ हो रहा है या फिर बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंटीवायरस हर एक कोई फाइल को डिलीट नहीं करेगा, कोई एक स्पेसिफिक फाइल को डिलीट कर सकता है, पर आप जो भी रख रहे हो वही कुछ दिन बाद हट जा रहा है, कुछ दिन बाद वो डिलीट हो जा रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। ये मे भी आपके हार्ड डिस्क के प्रॉब्लम से भी हो सकता है। अगला पॉइंट है बैड सेक्टर एक्युमुलेशन। मेजोरिटी जो भी हार्ड डिस्क है, वो ज़्यादातर बैड सेक्टर्स की वजह से ही खराब होती है। अगर एक हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में बैड सेक्टर बन चुके हैं, तो वो हार्ड ड्राइव आप मान लो बहुत ही जल्दी खराब होने वाला है। अब बैड सेक्टर क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही आसान शब्दों में कहे तो हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर घूमता है, उस प्लेटर के ऊपर अगर कोई पोर्शन फिजिकली डैमेज हो जाए, तो उस पोर्शन को हम उस हार्ड डिस्क की बैड सेक्टर बोलते हैं। और अगर किसी हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर बनना शुरू हो चुका है, तो वो फैलती जाती है जब तक पूरा का पूरा हार्ड डिस्क खराब ना हो जाए। तो इस तरह के सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि बैड सेक्टर्स को लॉक कर देते हैं, जिससे बैड सेक्टर फैलना बंद हो जाता है।
बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर जो हेड रहता है वो प्लेटर के ऊपर पूरा मूव करता है, प्लेटर की एक पोर्शन से लेकर दूसरे पोर्शन तक कंटिन्यूसली मूव करता हुआ रहता है। जैसे ही कोई डेटा रीड करता है या फिर राइट करता है तो ऐसे ही वो काम करता है। अगर वो आर्म बार बार बैट सेक्टर के ऊपर से जाने लगे तो इस तरह की सिचुएशंस में वो बैट सेक्टर फैलती जाती है। अब वो कैसे होता है उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में किसी अगले वीडियो में समझाऊंगा, पर अभी के लिए आप इतना समझ लो। यहाँ पे ये चीज़ बताना ज़रूरी है, जब भी हार्ड डिस्क की प्लेटर में कोई एक पोर्शन में बैट सेक्टर बन जाती है वो पोर्शन ना ही रीडेबल रहता है ना ही राइटेबल रहता है, उसमें रीड राइट कुछ भी करना पॉसिबल नहीं रहता है। अब यहाँ पे सवाल ये आती है कि आप कैसे बैट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बैट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, विंडोज़ के अंदर ही कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल है जो बैट सेक्टर्स कितने हैं आपके हार्ड डिस्क के ऊपर वो दिखा देता है, या फिर आप कोई थर्ड पार्टी टूल भी इंस्टॉल कर सकते हो जो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अगला पॉइंट है साउंड। अगर आपके हार्ड ड्राइव से कोई भी रीड या फिर राइट करने के टाइम पे ग्राइंडिंग की कोई नॉइज़ आ रही है या फिर स्क्रैचिंग की कोई नॉइज़ आ रही है तो आप कन्फर्म हो जाओ कि आपका हार्ड डिस्क बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला है, उसका डेथ नज़दीक है। तो जितना जल्दी हो सके उस हार्ड डिस्क से जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपका वो निकाल लीजिए। यहाँ पे इस तरह की स्क्रैचिंग नॉइज या फिर ग्राइंडिंग नॉइज तभी आती है जब हार्ड डिस्क के अंदर लगा हुआ जो आर्म है वो किसी वजह से प्लेटर को टच कर रहा है, या फिर जो मोटर है उसके अंदर लगा हुआ जो बियरिंग्स है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इसी वजह से इस तरह के साउंड्स आते हैं। अगर आपके हार्ड डिस्क के अंदर लगा हुआ जो प्लेटर है अगर वो किसी वजह से स्क्रैच हो चुका है, उसका कोई पोर्शन स्क्रैच हो चुका है, तो जो भी डेटा होगा आपके हार्ड डिस्क में वो सारा का सारा बिल्कुल वैसे ही मिल जाना इम्पॉसिबल है। कुछ डेटा ऑब्वियसली वहाँ पर करप्ट कर गया होगा और कुछ डेटा मिल सकता है। अगर मोटर में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क के अंदर जो मोटर घूमता है अगर मोटर में कुछ प्रॉब्लम है तो मे बी आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाए। तो अगर आपके हार्ड डिस्क से कोई ऐसा नॉइज़ आ रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इमीडिएटली जो भी डेटा है उस हार्ड डिस्क से वो सब कुछ निकाल लीजिए। अगला जो पॉइंट है वो बिल्कुल ओवरकिल है। मैंने आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं अगर ये सारे के सारे चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं हो रही है, तभी ये पॉइंट अप्लाई होता है। आपको सिंपली करना क्या होगा, इंटरनेट से एक टूल डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है क्रिस्टल डिस्क इन्फो। ये टूल आपको बता देता है कि आपके कंप्यूटर में लगा हुआ जितने भी हार्ड डिस्क है या फिर SSDs है उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है, कितने बैड सेक्टर्स है, सब कुछ बता देता है। पर यहाँ पे इस टूल के साथ प्रॉब्लम यही है कि आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, आपको महीने में दो बार या फिर हफ्ते में एक बार चेक करना पड़ेगा इस टूल को यूज़ करके कि आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आया है या फिर नहीं। मैं पर्सनली महीने में दो बार चेक करता हूँ जिससे मुझे ये हमेशा श्योरिटी रहती है कि हाँ मेरा जो ये पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव है ये ख़राब अभी नहीं हो रहा है या फिर कल ही अचानक ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो डेटा लॉस होने का भी जो खतरा होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है ऐसे टूल्स को यूज़ करने से। लास्टली मैं यहाँ पे एक फाइनल टिप देना चाहता हूँ आपको, अगर आप सडन डेटा फेल्योर से बचना चाहते हो तो जब भी आपका कंप्यूटर चल रहा है उस टाइम पे कंप्यूटर को बिल्कुल भी मत हिलाइएगा। फॉर एग्जांपल आपका डेस्कटॉप चल रहा है और उसमें जाके आपका पैर लग गया तो इस टाइम पे डेटा फेल्योर का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे आपका कंप्यूटर हिलता है वैसे ही हार्ड डिस्क भी हिलता है, तो हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर्स घूम रहा है वो अगर बाई चांस डिसबैलेंस हो जाता है तो आपका सारा का सारा डेटा करप्ट कर जाएगा इमीडिएटली, आपका हार्ड डिस्क इमीडिएटली ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप सडन डेटा फेल्योर से बचना चाहते हो तो आप कंप्यूटर को कभी भी मत हिलाइएगा अगर वो कंप्यूटर चल रहा है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो इसको किस पोजीशन पे रखना है, कैसे रखना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये सेम चीज लैपटॉप के ऊपर भी लागू होती है, अगर लैपटॉप रनिंग है तो उसको बिल्कुल भी मत हिलाइएगा वरना लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो डैमेज हो सकता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के साथ भी बिल्कुल सेम चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और हाँ, लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप एक नया हार्ड ड्राइव खरीदने वाले हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके हार्ड डिस्क को परचेस कर सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो का पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।